नमस्कार सांसद न्यूज में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इंदौर से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इंदौर पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान बीडी शर्मा के साथ मौजूद हैं। बीजेपी कार्यालय पर राजमाता सिंधिया की मूर्ति का माल्यार्पण भी किया गया। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक लेंगे जेपी नड्डा। बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इंदौर पहुंचे। सीएम शिवराज सिंह चौहान बीडी शर्मा बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष के साथ मौजूद। बता दें कि बीजेपी कार्यालय पर राजमाता सिंधिया की मूर्ति का माल्यार्पण भी किया गया। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। तो बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इंदौर पहुंचे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा इस दौरान मौजूद रहे। बीजेपी कार्यालय पर राजमाता सिंधिया की मूर्ति का माल्यार्पण किया गया है। बीजेपी पदाधिकारियों की बैठक भी लेंगे। और इंदौर से सीधा न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इंदौर पहुंचे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद हैं। किस तरह से बैठक होने वाली है, क्योंकि बीजेपी की बैठक भी यहां पर जेपी नड्डा लेंगे? जी ऋषभ, मैं आपको बता दूं, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आज बहुत व्यस्त कार्यक्रम रहा। सुबह लगभग 11 से 12 बजे के बीच उनको इंदौर पहुंचना था, कुछ लेट हुए। इंदौर पे एयरपोर्ट से वो सीधे उज्जैन गए, उज्जैन महाकाल मंदिर में दर्शन किए। उनके साथ में मौजूद थे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा, और इसके अलावा भी कुछ नेता उनके साथ में मौजूद थे। वहां उन्होंने बहुत ही इत्मीनान से श्री महाकाल जी का दर्शन किया। उसके बाद में देवास में उनका एक कार्यक्रम तय था, वहां पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने एक सभा की। उसके अलावा फिर वहां से जब वो निकले तो मंच लगाकर बाकायदा शहर में उनका स्वागत किया गया। बहुत उत्साह इस वक्त देखने को मिल रहा है मालवा के पूरे क्षेत्र में जेपी नड्डा के इस आगमन के बाद। उसके बाद देवास से होते हुए इंदौर पहुंचे और यहाँ सुहास भगत जी के वहां पहुंचे, वहां पर श्रद्धांजलि सभा करनी की उन्होंने। और उसके बाद में भाजपा कार्यालय पहुंचे हैं। इस वक्त भाजपा कार्यालय पर मौजूद हैं जेपी नड्डा, उनके साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं बीडी शर्मा वो मौजूद हैं, इंदौर के नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे मौजूद हैं। और इस वक्त उन्होंने राजमाता सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है जी। और अब नीचे वो बस कुछ ही देर में हमें साधना न्यूज की टीम भी इंतजार ही कर रही कि नीचे आए, और वहां से उनका पूरे शहर भर में एक सभा निकलनी है, रैली निकलनी है। और रैली के लिए मैं आपको बता दूं कि पूरे शहर में सैकड़ों मंच लगाए गए हैं और बहुत उत्साह के साथ में कार्यकर्ता मौजूद हैं कि जेपी नड्डा जी आए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो स्वागत करें। तो भाजपा के कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह देखा जा रहा है। कुछ ही देर में हम जो है वो साधना पर इस वक्त लाइव भी देख पाएंगे को लेकर, लेकिन इस वक्त यह है कि जेपी नड्डा को लेकर शहर में उत्साह है और बीजेपी कार्यालय पर वहां पर उपस्थित है। जी बिल्कुल पंकज जी, ऐसे में जेपी नड्डा का स्वागत की तैयारी की जा रही है। और पूरे दिन की अगर हम बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस आज था, तमाम कार्यक्रम किए गए, महिलाओं के लिए कई सौगातें भी यहां पर दी गई हैं। ऐसे में अगर बात करें तो किस तरह से आगे जो बैठक होने वाली है, बीजेपी की बैठक लेंगे, किन मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा हो सकती है, क्या रणनीति आगे बन सकती है? देखिए निश्चित रूप से मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त जो जेपी नड्डा जी का जो टूर है वो तो एक मुलाकात के तौर पर था, और जो जितने भी अधिकारी थे और उनकी पहली मुलाकात कई अधिकारियों कई कार्यकर्ताओं से हुई है। मुद्दा एक ही है, 2023 में जो चुनाव होना है उसको लेकर वो कार्यकर्ताओं में जोश भरना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, जो भाजपा का मूल एजेंडा है वो वहां तक उन्हें संप्रेषित करना चाहते हैं। इसके अलावा जो शहर की छोटी मोटी समस्याएं होती हैं वो उनसे डिस्कस होनी है कि शहर किस ढंग से विकास कर रहा है और क्या क्या चीजें इंदौर में जो है, जो फ्लाईओवर का एक परमिशन मिला है उस पर भी बातचीत होगी। इंदौर में जो और आर्थिक राजधानी चूंकि कहा जाता है इंदौर को, किस तरह से और इसको बढ़ाया जाए उस पर जेपी नड्डा जो है वो बातचीत करने वाले हैं। कुल मिलाकर जितने भी बड़े कार्यकर्ता हैं, जितने भी अधिकारी हैं, भाजपा के पदाधिकारी हैं, वो सब उत्साहित हैं उनसे बातचीत करने के लिए और अपने जो विचार हैं उनसे साझा करने के लिए। जी जी बिल्कुल पंकज जी, ऐसे में अगर एक तरफ देखा जाए तो बीजेपी तो सक्रिय हो गई है 2023 की तैयारी को लेकर, और आज के दिन की अगर विशेष रूप से बात की जाए
तो तमाम मंत्री उनके साथ मौजूद रहे, कई बड़े बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए और अभी भी वह सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। तो इस पूरे दिन का विश्लेषण अगर करें सियासत के नजरिए से तो किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्यक्रम था, कुछ दो दिन पहले ही पता लग गया था कि कार्यक्रम क्या क्या होना है। मैं आपको फिर से बता दूं कि सुबह लगभग 11 से 12 के बीच में वो इंदौर पहुंचे, एयरपोर्ट पर शहर के जो बड़े अधिकारी थे, जो बड़े पदाधिकारी थे, जिसमें नगर अध्यक्ष गौरव दिवे भी थे, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी थे, वो मौजूद थे। उनके साथ में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी वहां पर मौजूद थे। वहां से सीधे वो उज्जैन के लिए रवाना हुए। सबसे पहले उस दौरे में एकमात्र ये कार्यक्रम था कि वो महाकाल के दर्शन करेंगे। वहां पे महाकाल वो पहुंचे और बहुत ही, मैंने आपको कहा कि लगभग 2 से 2.5 घंटे वो महाकाल परिसर में रहे और वहां पर बहुत इत्मीनान से गर्भगृह में जाकर उन्होंने महाकाल के दर्शन किए, पूजा अर्चना की। उसके बाद में देवास में कार्यक्रम था, 2 बजे कार्यक्रम होना था, लेकिन वो कार्यक्रम चूंकि महाकाल में काफी समय लग गया तो वो कार्यक्रम लगभग 1.5 से 2 घंटे उपरांत हुआ। और वहां पे देवास में भी लगभग हजारों लोग की उपस्थिति में उन्होंने एक सभा की और उसके बाद में एक छोटा सा रोड शो उन्होंने किया और उसके बाद में इंदौर पहुंचे। जैसे मैंने आपको बताया कि सुहास भगत जी यहाँ पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद में भाजपा के कार्यालय पर पहुंचे, इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। सबसे पहले पहुंचकर उन्होंने राजमाता सिंधिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और अब वो ऊपर बैठक चल रही है भाजपा के कार्यकर्ताओं की और अधिकारियों की। उसके बाद में वो नीचे उतरेंगे और वहां से एक रैली निकलेगी और रैली में हजारों कार्यकर्ता शामिल होंगे। कई मंच लगाए गए हैं, मैं आपको बता दूं क्षेत्र क्रमांक 1 से लेकर 2, 3, 4, 5 जो सभाएं यहाँ पर क्षेत्र हैं, 8 विधानसभा क्षेत्र हैं, उन लगभग कोशिश करेंगे कि वो सभी में जाएं और वहां पर लोगों से रूबरू हों। और लोग बहुत उत्साहित हैं, मंच सजे हुए हैं, मालाओं से लेकर तैयारी कर रहे हैं कि नड्डा साहब आए और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का वो सम्मान कर सके। जी बिल्कुल पंकज जी, आपने कहा कि 2023 को लेकर पार्टी जो भी रणनीति बनाएगी उसको लेकर चर्चा होगी और सामान्य बैठक कार्यकारिणी की से कही जाएगी, लेकिन अगर आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस भी है, पार्टी के भीतर महिलाओं को लेकर कुछ बड़ी बातें सामने आ सकती हैं? जी बिल्कुल, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जब वो मौजूद थे तो देवास में भी यही हुआ कि वहां पर कुछ महिलाएं मंच पर मौजूद थी, उन महिलाओं से इंटरेक्शन भी नड्डा साहब का हुआ। और इंदौर में भी एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गए, वहां पर महिलाओं का सम्मान किया गया। और महिला दिवस होने के नाते निश्चित रूप से शहर में बहुत सारे कार्यक्रम थे और इस लिहाज से ये जो जेपी नड्डा साहब का कार्यक्रम था ये थोड़ा लेट जरूर हुआ, लेकिन इस वक्त बीजेपी कार्यालय की बात भी करें तो वहां भी महिला कार्यकर्ता मौजूद हैं और शहर की प्रबुद्ध महिलाएं भी मौजूद हैं, उनके साथ में मुलाकात हुई। उन्होंने महिला दिवस पर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर सबको शुभकामनाएं प्रेषित की और महिलाओं की उत्तरोत्तर उन्नति की भी उन्होंने शुभकामनाएं प्रेषित की। और इस वक्त बैठक चल रही है और कुछ ही देर में जो है वो रैली के लिए रवाना होने वाले हैं। जी बिल्कुल पंकज जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा भी मौजूद हैं और तमाम मंत्री यहां पर मौजूद हैं। कौन कौन ऐसे में मंत्री जो हैं जो इस कार्यकारिणी की बैठक का हिस्सा रहेंगे? देखिए, इस वक्त मैंने आपको बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद हैं, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा मौजूद हैं, नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे मौजूद हैं और इस वक्त वहां पर तुलसी सिलावट जी के भी पहुंचने की उम्मीद थी लेकिन इस वक्त वो पहुंचे या नहीं इसकी सूचना भी हमें प्राप्त नहीं हुई है। उषा ठाकुर जी वहां पहुंचने वाली थी, हो सकता है कि कुछ ही देर में ये दो मंत्री भी वहां पर पहुंच जाएं और उनसे मुलाकात भी हो। पंकज जी, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। आगे जो भी बैठक में नतीजा आएगा वो आपसे अपडेट ले लेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें इंदौर से, जहां बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इंदौर पहुंचे हैं, सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद हैं। बीजेपी कार्यालय पर राजमाता सिंधिया की मूर्ति का माल्यार्पण किया गया, साथ ही बीजेपी पदाधिकारियों के साथ बैठक ली जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इंदौर पहुंचे हैं। बता दें कि आज सुबह से ही कई कार्यक्रमों में जेपी नड्डा ने शिरकत की है। बता दें कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने उज्जैन पहुंचकर इससे पहले महाकाल के दर्शन भी किए, वहीं पत्नी के साथ पहुंचे। उनके अलावा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने भी बाबा के दर्शन किए। महाकाल के दर्शन के बाद देवास गए, साथ ही कार्यक्रम में हिस्सा लिया और तमाम कार्यक्रमों में आज हिस्सा लेने के बाद पूरा दिन आज